नज़र भी इतनी छोटी है कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन चलो कुछ तो असर हुआ। वीर तुम जल्दी कुछ करो, वो बर्ड फिर आ रही है, मैं तो उसे डुलाटी भी नहीं मार सकता। एक आइडिया है, चलो सब बौरे के पीछे आ जाओ। वॉकी टॉकी ऑन। वॉकी टॉकी ऑन। इस वॉकी टॉकी से दादाजी से बात नहीं हो सकती क्या? दादाजी को मेरी बात सुनाई नहीं पड़ती और उनकी आवाज इतनी तेज आती है कि हम सुन नहीं सकते। अब हम इस भंवरे को अपने घर तक उड़ा के ले जाएंगे। वाले, तेरा लख लख शुक्र है कि सॉफ्ट लैंडिंग मिली है, चोट नहीं लगी। अच्छी। 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 किसी ने कहा था यहाँ का वेज पिज्जा बहुत अच्छा होता है। गौर से देखो, ये नॉन वेज है। हेलो हेल्प। वीर, वो तो सुन ही नहीं रहा, क्या करे? ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। बच गए। ओके दोस्त, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर पिज्जा। ओह नो, इमली चुलबुल तो उस बैग में है। है वीर आसपास ही है। चुलबुल वीर कहाँ है? चुलबुल यहाँ से बाहर निकालो जल्दी। इमली, मुझे डर लग रहा है। टिम्बकटू, ये देखो मेरा नया आविष्कार। ये छोटा सा पौधा इस रिमोट के बटन को दबाने से बड़ा हो जाएगा और फिर ये चलता फिरता तबाही का रोबोट ट्री होगा। इसके ट्री वाइन्स हथियार हैं, इसके फ्रूट्स हथियार हैं। वो ऐसे गैस फैलाएंगे कि शहर के लोग खांसते खांसते सो जाएंगे और फिर वीर को इससे लड़ने आना होगा और ये वीर को पकड़ के मेरे पास ले आएगा। You are genius, boss. Super duper genius. Meow. जब ये ट्री बड़ा हो जाएगा तो इसमें एक ट्री हाउस भी दिखेगा। तुम उस ट्री हाउस में चले जाना और वहां से इस रोबोट ट्री को कंट्रोल करना। ये लो रिमोट। ओके रोबोट ट्री, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन वीर। इनको बताना होगा टिम्बकटू एक रोबोट ट्री लाया है। Ha 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 ha
टिम्बक्टू एक रोबोट ट्री लाया है और वो तबाही मचा रहा है। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। वैक्यूम क्लीनर ऑन। वैक्यूम क्लीनर ऑन। चिंता मत करो, मैं ऐसी लेजर गन लेकर आता हूँ जिससे कोई भी मेटल काटा जा सकता है। दादाजी, मेरे ख्याल से मैं ट्री हाउस के अंदर ही हूँ। हाँ वीर, तुम ठीक सोच रहे हो और ट्री हाउस उड़ गया है। मैं स्पेसशिप में आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं ये इनविजिबल वाला बटन दबाऊंगा तो हमें कोई देख नहीं पाएगा। बॉस बॉस, वीर को पकड़ लिया है बॉस। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। टिम्बक्टू, तुम मेरे सच्चे सिपाही हो, कभी ना हार मानने वाले एक सच्चे सिपाही। मेरे बच्चे, I am proud of you. You are right, boss. You are right. I am so proud of him. Meow. Thank you, boss. Thank you. टिम्बक्टू, क्या कर दिया तुमने? बेवकूफ आदमी, तुमने फ्लाइट टेक ऑफ का स्विच तोड़ दिया है। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, कम अक्ल हो, यूजलेस हो। दादाजी, वो देखिए, वो रहा ट्री हाउस। बॉस बॉस, लगता है कोई मेहमान आया है, मैं अभी आता हूँ। बॉस, स्पेस पे मिलने तुमसे कौन आ सकता है? वापस आओ और मेरी बात सुनो। सॉरी टिम्बक्टू, चुलबुल की तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। इट्स ओके, सॉरी कह दिया है तो नो प्रॉब्लम। हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाय नाश्ता नहीं देंगे? हाँ हाँ जरूर, बैठिए बैठिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहा हूँ। बॉस बॉस, मैं अपनी अदरक वाली स्पेशल चाय बना के इन्हें पिलाता हूँ। बेवकूफ इंसान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो वीर को बचाने आए हैं, तुम्हारी अदरक वाली स्पेशल चाय पीने नहीं। उप्स, बॉस बॉस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये देखो जुगनू, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। कितना अच्छा लग रहा है ना? चलो और जुगनू पकड़ते हैं। वीर, क्या तुम ऐसा जुगनू पकड़ सकते हो? शायद नहीं। जुगनू पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इसके लिए ना बहुत तेज स्पीड और चुस्ती की जरूरत होती है। ओ, ये इसे जुगनू कहते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। मैंने कभी जुगनू नहीं देखा। कैसे पकड़ा तुमने? देखते हैं ये उड़ता कैसे है। वाव, कितना सुंदर लगेगा ना उड़ते हुए। जुगनू भाई, तुम उड़ जाओ। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? मेरे जुगनू को उड़ा दिया। तो क्या हुआ, तुम तो अपनी स्पीड और चुस्ती से उसे फिर पकड़ लोगे। जाओ जाओ, जल्दी पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा जुगनू उड़ा दिया। केकी पेकी, वीर की अच्छी धुलाई करो। धुलाई और गधे का पुराना रिश्ता है। Allow me to do it. बंटी,
फिर कभी किसी जुगनू को पकड़ के बोतल में नहीं रखना। तुम्हें कोई बोतल में कैद कर दे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि किफेकी हम अंदर खूब गेम्स खेलेंगे। चलो चलो, जल्दी से मुझे किसी बोतल में बंद कर दो। रो क्यों रहे हो? ओफो जिंटू, उन्हें ठीक करो जल्दी। कितनी बार कहा है ऐसा जादू मत किया करो। दादाजी, बंटी ने एक जुगनू को पकड़ के बोतल में बंद करके रखा था। वीर ने उसे आजाद कर दिया। वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। किसी भी जीव को बंद करके रखना बुरी बात है। दादाजी, आजकल यहाँ जुगनू दिखाई क्यों नहीं देते? जुगनू जंगल में होते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं, पोल्यूशन बहुत है, धुआं, कार, बस, ट्रक की आवाज, ये सब जुगनू को अच्छा नहीं लगता। एक जमाना था कि यहाँ भी बहुत जुगनू होते थे। हाय वीर, मेरा नाम टिम टिम है। मैं ही वो जुगनू हूँ जिसे तुमने बॉटल से आजाद किया था। ओह, हेलो टिम टिम। वीर, मैंने अपने राजा को तुम्हारे बारे में बताया है, उन्होंने तुमसे मदद मांगी है। वीर, तुम महाराज चिमचिम की मदद करने आए हो, बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। मेरा मुंह इस तरह से बंद है कि मैं अपने किसी गैजेट को कमांड देकर बुला नहीं सकता। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। काल मकड़ी के जाल से कोई नहीं निकल सकता। वीर, मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी दोस्त ब्लैक स्पाइडर से यहाँ के लोगों को इतना डरा देना चाहता हूँ कि उनका विश्वास इस राजा से उठ जाए, फिर मैं उसे हटा के खुद राजा बन जाऊंगा। ओ तेरी की, जुगनू लोगों में भी इंसानों वाली पॉलिटिक्स चलती है। डम डम, तुम एकदम डम हो, तुम नहीं बचोगे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस राजा को बचाने आए थे, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। मुझे जुगनू खाना पसंद नहीं, मुझे उनके बदन से निकलती रोशनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम लोगों को बड़े प्यार से खाऊंगी। अकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। मैं इस डोंकी को पहले खाऊंगी, फिर वीर और इमली को। वीर, जिंटू को बुलाओ, वो कहाँ है? लोगों को पकड़ लिया है, वो बहुत बड़ी मकड़ी है। काली मकड़ी? मुझे मकड़ियों से डर लगता है। जिंटू, रुक जाओ। जिंटू, हमें बचाओ। लगता है उसकी याददाश्त चली गई है। वीर, वीर। महाराज, मैं तीर से उस जाले को काट देता हूँ। नहीं, तुम्हारा तीर वीर और उसके दोस्तों को भी लग सकता है। उनका पीछा करो, ब्लैक स्पाइडर को तीर से निशाना बनाओ। मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। वीर, ये लो चिड़ियों के लिए और दाना। बच्चों, पता है आज नेशनल बर्ड्स डे है। हाँ दादाजी, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि चिड़ियों को बचाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। वेरी गुड वीर, काश तुम लोग डोंकीज डे भी मनाते और मुझे खूब सारी गाजर खिलाते।
वो देखो कितनी सारी चिड़िया। चलो उन पर निशाना लगाते हैं। हे वीर इमली, तुम लोग साइड में हट जाओ वरना हमारी गुलेल का पत्थर तुम लोग को लग जाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत करना। चिड़ियों को मारना गलत बात है। अगर तुम्हें कोई ऐसे गुलेल से पत्थर मारेगा तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब साइड में हट जाओ। वीर साइड हो जाओ, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी चिड़िया को नहीं मारेगा। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चिड़ियों का गार्डियन बाज हूँ, उनकी हिफाजत करना मेरा काम है। आज के बाद जो भी चिड़िया मिले उसे पेट भर के खाना खिलाना, वो मना करे तो भी खिलाना, वरना मैं आ जाऊंगा और तुम्हें खाऊंगा। खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा, हर चिड़िया को खिलाऊंगा। तू कितनी बार कहा है इस तरह का जादू मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। तुम्हें तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मैं घर जा रहा हूँ, अब कल ही मिलूंगा। टिम्बक्टू, ये देखो ये क्या है। ये फ्लेमिंगो नहीं, इसका नाम मैंने मैडमिंगो रखा है। ये एक परफेक्ट बर्ड रोबोट है। ये लेजर बीम फायर कर सकती है, कुंग फू कराटे कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। ओ, ये कुंग फू कराटे भी कर सकती है? हाँ कर सकती है, कोई शक है? ओके मैडमिंगो, तुम बॉस को कुंग फू कराटे करके दिखाओ। बॉस बचाओ, मैडमिंगो, अरे ये सब बॉस को दिखाना था मुझे नहीं। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। She is right, boss. She is right. Timbuktu, jao. Madman. Uff, क्या कर रहे हो Timbuktu? Sorry, boss. Sorry. Meow. Boss, ये कभी कोई काम ठीक से नहीं करता. He is useless, boss. He is useless. She is right, boss. लेकिन मैं आपका वफादार हूँ, लॉयल हूँ बॉस। इसमें कोई शक नहीं, ये मेरा लॉयल बंदा है। टिम्बक्टू, ये देखो, ये है मेरा नया हथियार जो वीर को खत्म कर देगा। इसका नाम मिस्टर क्रुक है। बॉस क्यों मजाक कर रहे हो, ये क्या वीर को खत्म करेगा? हाउ डेयर यू। बॉस बॉस बचाओ। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ये बहुत काम का हथियार है बॉस। टिम्बक्टू, फिर कभी मिस्टर क्रुक को यूजलेस नहीं कहना। मिस्टर क्रुक, टिम्बक्टू के साथ जाओ और वीर को खत्म कर दो। ओके सर। तुम्हारी ये कार बहुत काम की है। हाँ इमली, मैंने बनाए भी इसलिए है। इमली, इस कार को तो तुम अकेले ही गांव लेकर जा सकती हो। नहीं चुलबुल, ये कार बच्चों के लिए नहीं है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं इसे चला सकता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसी कार रेलवे ट्रैक पे ले जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रेन अचानक से कभी भी आ सकती है। ट्रेन तो कहीं भी अचानक से आ सकती है, फिर तुम कैसे बचोगे? अचानक ट्रेन आने पे मैं इस कार को उड़ा भी सकता हूँ। वो कौन है? वो जो आ रहा है वो वीर है, उसके साथ उसके दोस्त हैं। खत्म कर दो सबको। With pleasure.
वो देखो टिम्बकटू भी वहाँ खड़ा है, जरूर वो किसी को लेकर आया है। ओके दोस्तों, रेडी फॉर टेक ऑफ, मैं अब उड़ने जा रहा हूँ, जो और दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। बाय बाय।